अस्सलामुअलैकुम। जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप ऐसी खूबसूरत स्किन चाहते हैं, और वो भी घर की चीज़ों को यूज़ करके। तो मैं ऐसी रेमेडीज़ आपके लिए लेके आती रहती हूँ। तो आज की रेमेडी है बनानास के साथ, और बनानास से करेंगे हम स्किन पॉलिशिंग। सबसे पहले हम लेंगे 2 बनानास, जो कि इस रेमेडी की है। 2 बनानास को पील ऑफ करके हमने चॉपर में या फिर हैंड ब्लेंडर के साथ, जैसे भी आपने इनको मैश करना है, बिल्कुल लम्स फ्री आपने इसको चॉप कर लेना है। और इसके बाद हमने लेने हैं एक बाउल में 2 स्पून्स ऑफ बनाना। बनाना के इतने अच्छे बेनिफिट्स हैं हमारी स्किन पे, आप सोच नहीं सकते कि आपकी स्किन ऐसे हो जाएगी जैसे बेबी स्किन है। लेकिन होम रेमेडीज़ के लिए जो है आपको पंक्चुअल रहना पड़ता है, करना पड़ता है रेगुलरली। अच्छा, तो अब हमने इसमें ऐड किया है 2 स्पून्स ऑफ एलोवेरा। एलोवेरा जेल मैंने ऐड की है इसके अंदर, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ग्लिसरीन। ये बहुत ही एक माइल्ड सी आपकी रेमेडी रेडी हो रही है, और आपकी स्किन जो है ना, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये आपकी स्किन कितनी ग्लोइंग और ख़ूबसूरत हो गई है। तो अब ये पैक हमने अपने फेस पे लगाना है। ये बेसिकली क्लींज़र है, और क्लींज़र हमने अपने फेस को मसाज करते हुए अप्लाई करना है। 3 to 5 मिनट्स हमने इसका मसाज करना है हल्के हाथों के साथ, और फिर हमने इसको वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद हमने रेडी करना है स्क्रब। स्क्रब के लिए हमने लिए हैं 2 स्पून्स ऑफ बनाना, और इसमें मैंने ऐड किए हैं ओट्स। ओट्स मैंने आप ओट्स की जगह पे वो पोरिज आता है जो गंदम का दलिया, वो भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही माइल्ड सा आपके फेस पे होगा, बिल्कुल वो नहीं, हार्ड नहीं होगा, बिल्कुल इसके अंदर सॉफ्ट हो जाएगा। और फिर ये रेडी करके आपने अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है, और इसको भी आपने 5 मिनट्स तक अपने फेस पे रखना है। और फिर इसके बाद आपने 5 मिनट्स के बाद आपने इसको अपने बाजुओं पे, हाथों पे, हर जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं। फिर 5 मिनट्स बाद वॉश कर लें। और अब हम रेडी कर रहे हैं फेस के लिए जो लास्ट हमारा स्टेप है। इसमें हमने 2 स्पून्स लिए हैं बनाना, जो कि बाकी रह गया था बनाना वो है। 1 स्पून इसमें हमने ऐड की है बलाई, जो दूध के ऊपर आती है, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बनाना पील। बनाना पील को भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। हाँ जी, बनाना पील भी बहुत बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए। और इसके अंदर मैंने ऐड की है कॉफ़ी। कॉफ़ी के फ़ायदों से तो आप लोग सब जो है अच्छी तरह से आप जानते हैं कि कितने ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। अब इसको मिक्स करके ये एक फ़ेस पैक आपका रेडी हो गया है। इसको आपने फेस पे अप्लाई कर लेना है, और इसको आपने 15 मिनट्स के लिए अपने फेस पे रखना है। 15 मिनट्स के बाद आप इसको वॉश करेंगे, और फिर अपने स्किन का ग्लो देखिएगा, अपने स्किन की